अदर ब्लॉग लंदन ड्रीम्स। अभी हम जा रहे हैं, इस बार है पेरिस ड्रीम, क्योंकि हम जा रहे हैं पेरिस। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, हम 3:30 बजे घर से निकल रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में लंदन स्टेशन पहुंचेंगे, फिर वहां से 7 बजे की हमारी ट्रेन है और 2 घंटे में हम पेरिस। तो अब मिलते हैं डायरेक्टली पेरिस पे, और आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर आप इंटरनेशनली कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वो भी इंडियन पासपोर्ट में, तो आपको इमिग्रेशन में क्या क्या होता है, कैसे रहता है, वो आपको दिखाती हूँ। कंटिन्यू बने रहना। बस सिक्योरिटी चेक इन है यहाँ पे, जैसे आपका एयरपोर्ट में रहता है सेम प्रोसेस है। अपना सामान दो और अपना चेक इन कराओ, अपने और अपने सामान का वो वेट चेकिंग ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। लाइन बड़ी होती है क्योंकि इंटरनेशनल स्टेशन है, तो हर जगह की ट्रैवल रहती है, तो लाइन था। यहाँ पे अपना टिकट स्कैन कराओ और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जाना, बस इतना ही रहता है। सो हमने अभी इमिग्रेशन क्लियरेंस कर दिया। अगर आपको ये लग रहा है कि इमिग्रेशन में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता। जैसे आप ट्रेन स्टेशन में जाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस वही नॉर्मल आपको सामान दे दो, सिक्योरिटी चेक इन होता है, बट उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का एयरपोर्ट में होता है, और फिर आप अपना पासपोर्ट दे दो और अंदर आ जाओ। मतलब सिर्फ 1 घंटे का गेम है, 1 घंटे पहले भी आ जाओ ना तो भी इनफ है। यहाँ बस सिक्योरिटी चेक इन करवा दी, अपना स्कैन करके, टिकट स्कैन करके आगे निकल गए, और यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ। और टाइमिंग के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा, ये हमारी 7 बजे की ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना था। तो ये रहा आपका इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन। जो भी यूरो स्टार से ट्रैवल करने वाले लोग, आप देख सकते हो, हमने ट्रेन इसीलिए लिया था, यानी ऑल्दो देखा जाए तो ट्रेन प्लेन से महंगा है, बट बैगेज अलाउंस नहीं होता, इस वजह से हमने ट्रेन प्रेफर करा। और कम्यूट टाइम सिर्फ 2.5 घंटे का ही, बैगेज आप देख सकते हो जितना भी रख लो। तो फिर बस अब सीट बैठ के पहुँचते हैं फ्रांस, और मिलते हैं डायरेक्ट फ्रांस पे। बाकी अगर आपको कुछ और खाना पीना हो तो आप अंदर ही खा सकते हो, हमने भी पानी वगैरह यहीं से ले लिया था। तो हम पहुँच गए पेरिस, अब आपको दिखाती हूँ बाहर पेरिस पहुँच के इमिग्रेशन का क्या रहता है, सब दिखाती हूँ। पता नहीं, कोई स्टैम्प लगाने का, कोई चेक इन सेकेंड कुछ भी नहीं है। जो होना था वो लंदन में होगा, बस उतना ही था। तो मैं निकल रही हूँ अब स्टेशन से बाहर। पेरिस का स्टेशन नोट अब क्या क्या है, इसका स्पेलिंग तो खुद ही करना पड़ता है। यहाँ से बाहर निकलते बिल्कुल आप यहाँ सामने से कैब ले सकते हो, जहाँ पे भी जाना है। क्या हुआ, नहीं हो रहा? यहाँ टैक्सी तो है होने पे, तो और ये टैक्सी बड़े महंगे होंगे। तो ये है पेरिस, आप पूरा देखते रहना। मुझे अगर फीडबैक देना हो तो पेरिस बहुत ही अच्छा लगा। मैं टूरिस्ट हूँ इसीलिए अच्छा लग रहा है, या फिर सच में ही आर्किटेक्चर और जिस हिसाब का नेचर डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा था। खुला खुला इन्वायरमेंट, कोई ऐसा कोई डिफरेंट टाइप के घर नहीं थे, सारे एक ही टाइप का। जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत सुंदर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मेरी जेन्युइन फीडबैक है पेरिस को लेके। 2.5 घंटे की ट्रेन होती है, जर्नी होती है, और हमारी 7 बजे की ट्रेन थी, तो ये सुबह का टाइम है, 10 बजे ही हम पहुंच गए। हमने होटल पे चेक इन भी कर लिया, ऑल दो होटल का टाइमिंग जो रहता है वो 3 बजे से था, बट बहुत जल्दी चेक इन कर ली। और इन्होंने हमें होटल, एक्चुअली क्लीन था एक रूम, तो उन्होंने हमें दे दी। तो आपको मैं रूम भी दिखा देती हूँ जो हम जा रहे थे। ये बेसिकली ऐसा ही रहेगा सेटअप, बट ये बस हमें थोड़ी देर के लिए ही दिया गया था। होटल लेन, तो ये एक बिल्कुल सेंटर पेरिस पे ही हमारा होटल, और यहाँ पे ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छा है। हम जिस सेंटर में, यहाँ से मैं आपको अगर बता दूँ, ये रास्ता आपको सीधा पेरिस, मतलब एफिल टावर लेके जाता है। सॉरी, पेरिस तो पेरिस में ही है, बिल्कुल 5 मिनट चलते जाओ सीधा, कहीं इधर उधर नहीं बनना, और यहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाओ यहाँ से, मतलब इतनी नज़दीक रहती है सेंटर से, यहाँ से लेके यहाँ। मैंने
फ़ोटोशूट रखा था पेरिस पे, तो ये फ़ोटोशूट कर रहे हैं हम। दिन के टाइम पे फ़ोटोशूट था, बट अचानक से ये फ़ोटोशूट पर्पजल पे बदल गया। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे, हेलो टू सिस्टर, हेलो। आईफिल टावर लाइट अप होता है 8 बजे और हर एक घंटे में होता रहता है, बट सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है। तो आप पहले ही आना जब भी लाइट ऑन होने का टाइमिंग हो जाए, और ये बेस्ट चीज़ है, ज़रूर आके देखिएगा, बेस्ट। पेरिस में लगातार बारिश हो रहा था, तो इस टाइम पे भी बारिश था, बट हम एफिल टावर और हमारा होटल सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो हम घर जाके फिर से अम्ब्रेला लेके आके टाइमिंग से पहले ही आके बैठ गए थे इसको देखने के लिए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगी, उसके लिए स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट डे पर हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड।